चुके हैं, अब इनको मुझे सही सलामत होली तक पहुँचाना है, फिर इनको बर्फ दिखानी है। सारे जो बच्चे हैं पीछे बैठे हैं, एक बड़ा बच्चा है, उन्होंने बर्फ नहीं देखी, इनको दिखा के लेते हैं। तो अभी हम निकलते हैं, गाने सुनते सुनते सीधा होली रुक जाएगा। हमें टाइम लगेगा यहाँ से 8 आवर्स। लग रहा है कि बर्फ मिल जाएगी। मिल गई भाई, ये तो अभी 4 किलोमीटर और रहा। ये बर्फ ना तो जहाज अभी 4 किलोमीटर है भाई, जैसे हम चाहते हैं वैसी मिले तो मजा आए, वैसी मिलेगी चलता रहा तो देखते हैं। रोल तो साला टायर क्या लगवा लिए, कुछ देख ही समझ ही ना रहा है ना पत्थरों को। तो गाइस देखो बर्फ देखो कितनी बर्फ है। मैं पहले ही कह रहा था ना, सब लोग मना कर रहे थे लेकिन मैं कह रहा था कि यहाँ बर्फ मिलेगी, है ना। और देखो बर्फ मिली है तो इतनी मिली है कि हम सोच रहे हैं कि ऊपर जाएंगे कैसे। हम बर्फ अच्छी है, बर्फ अच्छी है, हवा है चल रही है बिल्कुल चिल्ड, तो इसलिए थोड़ा हमें अपने ऊपर शक हो रहा है कि हम जा पाएंगे ऊपर नहीं जा पाएंगे। नहीं भाई जाएंगे, यहाँ तक कितना कितना दूर तक जा पाएंगे मेन ये है। अब हम फाइनली आ चुके हैं ओली में और अब हम लेने जा रहे हैं होटल अपना, मतलब अभी देखने जा रहे हैं, श्योर नहीं है कि उसको हम लेंगे नहीं लेंगे, पहले देख लेते, पसंद आया तो हम उसको ही लेंगे। और यहाँ का व्यू इतना प्यारा है, मतलब लाइक वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ। मैडी कुछ कहना चाहोगे? So guys, हम फाइनली अपने होटल में आ चुके हैं, हमें पसंद भी आ गया तो हम इसे ही फाइनल व्यू देखो, हमारे होटल से व्यू देखो, वाओ इट्स जस्ट लाइक हेवन। क्या क्या बोल दिया? और यहाँ के क्या बोलते हैं, लॉबी का व्यू है, ये बहुत शानदार है। और सबसे ख़ास बात यहाँ पे ये है कि जितने लोग हम आए ना बस ऊपर उतने ही लोग हैं, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है और हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट बाकी चीज़ सब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँ, यहाँ पे इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, दिखने पाए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ प्रीनू और आज हम अभी हम रेडी हो चुके हैं, अभी हम ओली में हैं और रेडी हो चुके हैं, अब हम जाएंगे बाहर। हम जाएंगे ओली के जो पहाड़ हैं उन पर हम ट्रैकिंग करेंगे आज, तो वहाँ निकलते हैं, वहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊंगी। ये है मेरा आज का आउटफिट, ये मेरा आज का आउटफिट, चलते हैं वहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊंगी और जो भी चीज़ हम देखेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे, तो मिलते हैं। सो गाइस फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने डेस्टिनेशन पर और अब मैं दिखाती हूँ आपको व्यू। देखो गाइज हम आए हुए हैं ओली और ओली पर हम ऊपर, ये हमारा एक फ्रेंड है वो स्कीइंग कर रहा है तो उसकी प्रैक्टिस चल रही है, तो हम थोड़ा ऊपर ट्रैक करके ऊपर आए, बहुत बर्फ है और बर्फ भी ऐसी है मतलब स्लिपरी, क्योंकि वो स्कीइंग के लिए इन्होंने एक वे तैयार किया हुआ है, इस पर स्कीइंग करते हैं। देखो उधर चल रही है प्रैक्टिस, बाकी तो नहीं करने वाले क्योंकि यहाँ पर उसका आउटफिट ही दिया, हमने इन आउटफिट में किया तो सब गीले हो जाने, बाहर पहाड़ी सॉन्ग पे डांस हो रहा है, मुझे वो भी बहुत गाइस। तो फाइनली हम अपने व्यू पॉइंट से वापस आ चुके थे, वापस आने के बाद हम इतने थक चुके थे कि बस हमने मतलब
नॉर्मल चेंज किए और हम सो गए। हमें पता भी नहीं चला कि हम कब में सो गए थे और हम कितने टाइम सोए होंगे। मैं तीन घंटे के बाद अभी इवनिंग में, मतलब ऐसा होता ना देजा भूसा, मुझे तो याद भी नहीं कि मतलब मैं आके सोई हूँ, ऐसा लग रहा है पता नहीं अपने घर में सोई हूँ, मतलब कुछ याद सा नहीं है। इतने हम थक भी गए थे, हम दो तीन दिन से बहुत ज़्यादा थके हुए थे, इसलिए हम आके सोए। और अभी उठने के बाद यहाँ पे नाइट का कुछ पार्टी टाइप का प्लान होता है, तो हम उसको इंजॉय करेंगे। और फिर कल हमें जाना है, तो अब कल का देखते हैं क्या क्या है नेक्स्ट, मतलब कल हमें क्या करना है ये भी अब तक हमने डिसाइड नहीं किया। तो ये है कि कल हमें निकल जाना है मॉर्निंग में, लगभग 10 से 11 बजे तक हम निकलेंगे और अपने घर हम 11-12 बजे ही पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ से पहुँचने में 10 से 11 घंटे लग जाते हैं। हमें ऐसे चेंज करके आके सो गई थी बस। तो अभी उठी हूँ, अब हमने चाय मंगवाई है और खाने का ऑर्डर दे दिया है, तो देखते हैं इनका टेस्ट तो वैसे ठीक ठाक है। और यहाँ का वैसे ये तो सबको पता होगा कि बर्फ में ना आप बर्फ में नहीं, कहीं भी अगर हाई पे जाते हो ना तो फ़ोन का बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। हमारे साथ तो यही हुआ, हमारे फ़ोन बहुत जल्दी, मतलब मैं कंप्लीट चार्ज करके लेके गई थी, बट थोड़ा कितना टाइम हम रहते हैं मैडम, वहाँ पर 3 घंटे में हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। एक और मेरे पास दो फ़ोन है, एक फ़ोन तो मेरा बैग में ही रह के स्विच ऑफ हो गया, और दूसरे फ़ोन मतलब आईफोन का भी ऐसा ही होता है कि आप फोन जल्दी इसका बैटरी इसका नहीं जाता, बट पहाड़ों पे या फिर ऊंचाई पे हर जगह पे बैटरी का इशू आता है, पता नहीं क्यों बहुत जल्दी लो हो जाता है। आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्यों होता है। और अब हम गाड़ी कहाँ जाने वाले हैं? अभी तो हम खाना खाने के लिए डिनर करने के लिए जा रहे हैं। अभी तो पहले हम चाय के लिए ऑर्डर किए, तो चाय के लिए खाना देगा, फिर बॉन फायर करेंगे, तो देखते हैं। और अभी तक हमने क्या किया? सो रहे हैं बस।